कभी भी ये मत सोचो कि सफ़र कितना लंबा होगा, हर समय ये सोचो स्टार्ट कैसे कर रहे हैं। असली मज़ा मंजिल में नहीं सफ़र में होता है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसी है अपनी फैमिली? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो वैसे अभी सुबह के 9 बजे मैं आधा घंटा लेट हूँ, मतलब पापा बुलाया था, कुछ काम था तो काम कर रहा था तो इसलिए आधा घंटा लेट हो गया। तो चलो गाइस, वीडियो में बने रहो, लास्ट तक देखना। आज की दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ करते हैं। चलो, उसको वीडियो अपलोड करने ही नहीं दे रहा था। तू जा रे तरीका मेरे इधर बैठा रे। तो कैसे उल्टा लटक का हुआ है? तू जा ना, मुझे वीडियो अपलोड कर दे। चाबी गाइस, इसको साइकिल का चाबी चाहिए बोल रहे हैं। मैं नहीं दूंगा क्योंकि इसको साइकिल का चाबी देने से ये रास्ता पे निकल देता है। क्यों दूं मैं? नहीं दूंगा। जा, तू जा। यार मैंने एक ब्लॉग मतलब अपलोड पे लगा दिया, अपलोड हो रहा है यार। हर रोज सोचता हूँ कि 8 बजे तक दे दूंगा पर हर रोज लेट हो जाता है। चलो कोई ना, आखिरकार अपलोड हो ही रहा है। अपलोड होने के बाद दिल को जो सुकून मिलता है ना, वो एक यूट्यूबर ही जानता है। अपलोड नहीं करने तक कुछ लगता है कुछ अधूरा सा रह गया। तो मैं जस्ट अभी ऐसे बैठा हूँ, यूट्यूब वगैरह चेक कर रहा हूँ। तो कैसे, अभी मैं संदीप भाई के घर जा रहा हूँ, मेरे साथ पापा ही भी है। संदीप भाई बोल रहे हैं कि मेरे घर आओ, एक काम है, पता नहीं क्या बोले। चलो चलते यार। 1 घंटे से मैं संदीप भाई का ढूंढते थक गया, मोबाइल छोड़ के कहीं ना कहीं चला जाता यार। अभी फ़ोन किया तो बोला घर में हूँ, अभी मैं उसका घर का बाहर हुआ आ रहा है। तो यार हम लोग को इधर मतलब हेलमेट के लिए चेकिंग हो रहा है। सिर्फ चेकिंग के लिए हेलमेट मत पहनो, सब समय पहनते रहो। कृपया करके अपने फ़ोन को अपने पास रखा करो। आपको फ़ोन कर करके मैं पागल हो गया। इसको 10 से ज़्यादा फोन देखे ना क्या? देखो ठीक। तो चलो अभी चलते हैं, क्या काम है बताओ। तो भाई सर, मैं संदीप भाई के घर में गया था, आ चुका हूँ। संदीप भाई के फ़ोन आने वाले थे पर कुछ इश्यूज के वजह से उनको आज फ़ोन नहीं मिला। तो आई थिंक नेक्स्ट वीक मिल जाएगा उनको। तो बस मेरे लिए मम्मी बाजार से पानी पी ली। इसको मैं भी लगाता हूँ। ये क्या खा? रुक खाने दे। तेरा चलो, इसको पूरी है ये। ये हैंड वॉश कर दे, ठीक है? और इसका आलू बोलते, आलू इधर। तो ये थास कर पड़ जाएगा, इधर भरना है, इधर नीचे है ये। गाइस देखो, ये नीचे में पानी कैसे जाएगा इसके अंदर? क्या यार, देख के लाना चाहिए ना, तुम देख के क्यों नहीं लाता ये? योला ठीक है गाइस, इसको मैं खाता हूँ। इसको खाता हूँ। क्या जैसे आलू को इसके अंदर लगा के जैसे कह रहे पानी नहीं जाए तो पानी पूरी खाने का मतलब क्या? पानी तू मार खेलते हैं। इसको खाने का स्वाद ही बदल रहा है। 20 का 12 20 झाला लगा रहा। देखो इसको थाला लग गया। तो वैसे यार हम लोग के इधर 10 का 5 मिलता है। तो गाइस मैंने खा लिया, 3 खाया, ज़्यादा नहीं खाया, मगर थोड़ा थोड़ा थाला लग गया क्योंकि मुझे ज़्यादा चिल्ली खाने का आदत नहीं है। इसको देखो, इसको पूरा एकदम झाला लग गया। पानी खा रहा है। तो बाजार से कुछ लाए, पता नहीं ये शायद स्नैक है। ये क्या है? देखता रुक जा। रुक बे,
गाइस ये पूरा ही एक न्यूज़पेपर है और इधर ऊपर पे पता नहीं थोड़ा मोटा सा एक कागज है और ये कुछ लकड़ी है और ये क्या बोलते हैं उसको रबर है। देसी दिमाग देखो हमारे इंडिया में कालाकारी का कमी नहीं है। बहुत अच्छा दिमाग लगा बंदे ने। नाउ ओनली मैं होम आई एम नॉट अनबॉक्सिंग नाउ आल्सो वन प्लस नॉट टू 30,000 गिविंग इन आई एम माय इंग्लिश इज वेरी गुड गाइस यार ये बाहर से बहुत हैप्पी है पर अंदर से बहुत दुखी क्योंकि यार आई एम वेरी वेरी बताए 2 साल से जिस फोन का वेट था वाज ऑर्डर डिलीवरी हो भी गया था पर थोड़ा कुछ इश्यूज के लिए नहीं मिला। ये बाहर से बहुत हैप्पी है पर अंदर से इसको थोड़ा बहुत दुख लग रहा होगा। बहुत हैप्पी है आई एम हैप्पी आई एम बिकॉज़ वेरी हैप्पी मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बाहर से बहुत हैप्पी रहता पर अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। चलो चलते हैं। तुमने हर बार एक बात बोलता है ना जो भी होता है क्या के लिए होता है अच्छे के लिए होता है जो खुद बोलता है पर आज थोड़ा मूड ऑफ है। सुबह से बहुत ज़्यादा हैप्पी था पर अभी थोड़ा मूड ऑफ है। क्या हो बेबे हंस तो रहा हो हंसने से नहीं थोड़ा दिल के अंदर तू थोड़ा ऑफ है। Impossible. I'm thinking that I'm happy because I'm my good English. तो चलो मैं इसको घर में आया था अभी थोड़ा घूमने चलते हैं मतलब इधर ही बाजार में आए तो मैं सोचा इसको भी लेकर जाए अकेले अकेले बोरिंग लगता है ना तो सोचा इसको भी लेकर जाए। चल तो गाइस यार हम लोग बहुत दिन से मतलब होटल में नहीं आए थे तो आज हम लोग खाने आ गए। शाम को शाम को बहुत याद आ रहा था तो इसलिए हम लोग आ गए। अगर संजीव है हम लोग पराठा खाएंगे फिर घर में चला जाएंगे। यार हम लोग का खाना हो चुका है। मैं सोचा था कि थोड़ा आगे घूम के आएंगे पर पापा फ़ोन कर रहे हैं दुकान बंद कर रहे हैं दुकान में बुला रहा है इसलिए मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा अब सीधा घर पे चलते हैं। संजय भाई को घर में रख के अपना घर चला जाऊंगा। भाई टीवी देख रहा है इसको थोड़ा हम लोग तंग करते हैं मोटो पतलो देख रहे हैं थोड़ा तंग करते हैं इसको। क्या कर रहा है पापा रुदना हम तुमको देखने नहीं देगा हम तुमको देखने नहीं देगा गाइस हम लोग गाइस में चलता हूँ इसका तो गुस्सा बहुत ज़्यादा ख़राब है मार उड़ देगा। दुकान बंद करके आ गया अभी 8:30 हो रहा है अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा थोड़ी देर बाद खाऊंगा एक घंटे के बाद क्योंकि यार मेरा फेवरेट डिश मम्मी बना रहे हैं खाने का टाइम पे आपको मैं दिखाऊंगा। तो यार एक बार रूम का हालत देखो बहुत गंदी होके रखी है गंदा होके रखा है मुझे अभी ये सब ठीक करना पड़ेगा। देखो यार ये सब कुछ थोड़ा अभी ठीक करना होगा यार बिस्तर भी चार्जर देना होगा। तो चलो मिलते हैं खाने के टाइम पे आपको मैं अपना फेवरेट डिश आ सबको दिखाऊंगा मैं। तो वैसे मैं बाहर में बैठा हूँ यार कल से ठंडा बहुत ज़्यादा भर गया है इसलिए मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ यार हाथ वाथ सेक रहा हूँ यार कल से बहुत ज़्यादा ठंडा भर गया। तो वैसे यही है मेरा फेवरेट इसको पुलाव बोलते हैं हम लोग पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो पुलाव बोलते हो गए आज में रोटी नहीं हुई इसको। तो वैसे मैं खा के आ सकता हूँ आपको तो देखने को मिले कि मेरा फेवरेट है पुलाव पता नहीं आप लोग क्या बोलो पुलाव बोलते होगे शायद मुझे पता नहीं ये मेरा सबसे फेवरेट है मम्मी ने इतना टेस्टी बनाया ना मज़ा आ गया खा के। तो अभी 10 बज रहा है सॉरी 10:15 हो रहा है। चलो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा लाइक करना शेयर करना कमेंट में बताना यार आप लोग कमेंट नहीं करते यार बहुत ज़्यादा दुख होता है कमेंट करो तभी ना कुछ गलती होने से बोलो मैं सुधारूंगा। तो चलो मैं तब नेक्स्ट वीडियो तब तक ले बाय बाय सी यू गाइस और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके उससे पास वाले घंटे प्रेस करके और प्रेस करके मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपको मिलने के लिए।